आप देख रहे हैं APN वेब न्यूज। चाइना डोर से हो रहे हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज ही राम मंडी में चाइना डोर से एक नया हादसा सामने है, जिसमें ऋतिक जसवाल सन और सुभाष चंद्र जो एकता नगर में रहते हैं वो किसी काम से जा रहे थे। जब वो राम मंडी पुल से ऊपर पहुंचे तो उसके गले में चाइना डोर फंस गई, जिसके कारण वो गिर गए और बेहोश हो गए। पीछे आते लोगों ने उन्हें उठाया और आशीर्वाद हॉस्पिटल ले गए। उनकी चार उंगली कट गई थी, जिसके कारण उनका ऑपरेशन किया गया। अब वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो दुकानदार ये चाइना डोर बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो छोटे बच्चों से बेनती कर रहे हैं कि वो चाइना डोर से दूर रहें, और वो उन व्यक्तियों का धन्यवाद कर रहे हैं जो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। सर जी, मेरा नाम रितिका, एकता नगर फेज टू से रहता है। 3 बजे काम से जा रहा सीगा, तो जिद ही बोलते गया तो चाइना डोर मेरे गले से फिर गई सी। तो पिछों 2 बंदे सीगे आए, उन्होंने चाइना डोर गले चो कढ़ी तो हॉस्पिटल लै गए सके। उस तो बाद उंगल मेरी डैमेज हो गई सी। सर कड़े हॉस्पिटल लेके गए थे? आशीर्वाद हॉस्पिटल लेके गए सी, उस तो बाद स्कोप लै गए सके। की मतलब कोई ज्यादा चाइना डोर ने ना थोड़ा कोई डैमेज कुछ या डैमेज जी? हाथ डैमेज हो गया सीगा, ते टांके लगे है, ते एक उंगल जी ऑपरेशन होया सीगा। हुन तुसी प्रशासन ने की मांग करना चाहते हो? ये मांग करना चाहते कि चाइना डोर बंद होवे, जिहड़े चाइना डोर बेचदे आ उहनां ते सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ते जिहड़े छोटे बच्चे आ उह वी इस डोरां तों दूर रहण। तो जिहड़े 2 बंदे जिहड़े तुहानूं चक के लै गए सी, उहनां दा कुछ तुहानूं पता किधर दे रहे नाले सी? जिहड़े 2 बंदे सीगे उह लुधियाने सीगे, उहनां दे धन्नवाद होवे जिहड़े हॉस्पिटल लै के गए सीगे। आप देख रहे हैं APN वेब न्यूज, हर रोज एक नई खबर के साथ। अपना पंजाब वेब न्यूज, आपका अपना न्यूज चैनल।